साउथ के सुपरस्टार रामचरण उनकी फाइव उपासना इस वक्त अपने पेरेंटहुड को एंजॉय कर रही हैं। कपल पिछले साल ही एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने थे। शादी के 11 साल बाद बेटी के जन्म से कपल बेहद खुश हैं। दोनों अक्सर अपनी लाडली पर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं। रामचरण अपनी नन्ही सी परी के फेवरेट हैं। इस बात का खुलासा खुद एक्टर की पत्नी उपासना ने किया। उपासना कोनिडेला ने एक और खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें अपनी बेटी और अपने पति रामचरण के बीच का बॉन्ड देखकर काफी जलन महसूस होती है। जी हाँ, उपासना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में पापा रामचरण और बेटी के रिश्ते को लेकर कई सारी बातें शेयर की। उपासना ने दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी बेटी अपने पापा से बहुत करीब है और बाप बेटी का ऐसा बॉन्ड देखकर उन्हें जलन होती है। उपासना ने कहा कि जब वो अपने पापा को देखती है तो उसके चेहरे पर अलग चमक आ जाती है, एक स्पेशल स्माइल होती है। उनकी बेटी उनसे ज्यादा उनके पापा से करीब है, यही देखकर उपासना थोड़ी जेलस भी फील करती है। बता दें कि उपासना ने पिछले साल 20 जून को अपनी बेटी को जन्म दिया। कपल ने अपनी बेटी का नाम किलनकारा कोडिनेला रखा। दोनों अपनी बेटी को बेहद प्यार करते हैं। जल्द ही कपल की बेटी किलनकारा कोडिनेला 8 महीने की होने वाली है। अभी तक रामचरण उपासना ने अपनी बेटी का फेस रिवील नहीं किया है। फैंस कपल की बेटी को देखने के लिए बेताब है। वहीं रामचरण उपासना की मुलाकात की बात करें तो उनकी मुलाकात उनके कॉलेज के दौरान हुई थी। कॉलेज में एक दूसरे के दोस्त बनने के बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। इसके बाद रामचरण उपासना ने साल 2012 में शादी कर ली थी। शादी के 11 साल बाद कपल के घर में बेटी का जन्म हुआ। वर्क फ्रंट की बात करें तो रामचरण पिछली बार फिल्म RRR में नजर आए थे। इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े थे। फिल्म के गाने नाटू नाटू को तो बेस्ट सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। वहीं अब रामचरण फिल्म गेम चेंजर्स में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म इसी साल सितंबर में रिलीज होगी। ये फिल्म काफी बड़े बजट वाली फिल्म होने वाली है, जिसके लिए फैंस भी काफी एक्साइटेड है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।